नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे अलग अलग तरह के चश्मे के नंबर के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कौन सा नंबर ज़्यादा खतरनाक है, कौन सा बढ़ता चला जाता है, कौन सा कम हो सकता है और कौन सा बिल्कुल जा भी सकता है। तो अगर आप ग्लास का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं अपना, उसमें दो कॉलम्स होते हैं, एक स्फेरिकल नंबर और एक सिलिंड्रिकल नंबर। पहले बात करते हैं स्फेरिकल नंबर के बारे में। स्फेरिकल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो आँख की लंबाई की वजह से आता है। इसमें हमारी आँख जैसे रहती है, आगे से फोकस बनता है, ये लेंस सिस्टम होता है आई का, रिफ्रैक्टिव सिस्टम, ये फोटो बनाता है पर्दे पे, दिमाग तक फोटो पहुँचती है तो हमें दिखाई देता है। स्फेरिकल नंबर में जनरली आईबॉल या तो नॉर्मल से बड़ी होती है या छोटी होती है। जब आईबॉल आपकी लंबी ज़्यादा होती है अपने टाइम से तो माइनस नंबर आता है, और जब छोटी होती है तो प्लस का नंबर आता है। इसीलिए माइनस का नंबर ग्रोइंग एज के साथ आपका स्फेरिकल बढ़ता चला जाता है, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जिनकी आँख ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो रही है। और यही नंबर, क्योंकि लंबाई हो रही है, एक बार आँख लंबी हो गई छोटी नहीं हो सकती, तो माइनस स्फेरिकल नंबर जाता नहीं है, या तो स्टेबल रहता है या टाइम के साथ बढ़ सकता है अप टिल द एज ऑफ 18 और 21, जब तक आपकी आँख पूरी स्टेबल नहीं हो जाती और आप एडल्टहुड रीच नहीं करते। दिस माइनस स्फेरिकल नंबर इज द नंबर विच इज अफेक्टेड बाई टू मच ऑफ नियर वर्क। तो अगर आपका स्क्रीन पे, फोन पे, कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम है, ये नंबर बढ़ता चला जाता है। प्लस का नंबर, जैसा मैंने बताया, आँख छोटी होने की वजह से है, ये भी रिलेटिवली कॉमन होता है। इमेज जो है पीछे बनती है तो हमें चश्मा लगाना पड़ता है ताकि इमेज सही जगह पर बने, क्योंकि आँख थोड़ी छोटी है। नाउ दिस काइंड ऑफ आई व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोइंग, कई बार ये नंबर कम होने लगता है और जीरो पे भी जा सकता है, क्योंकि ये आईबॉल जो है वापस से लंबी होने लग जाती है और नॉर्मल को रीच कर लेती है। वंस इट रीचेस द नॉर्मल साइज द पावर कैन कम टू जीरो। सो प्लस नंबर इज द नंबर जो टाइम के साथ साथ कम हो सकता है या जा भी सकता है। सो दिस इज द स्फेरिकल नंबर। नाउ व्हाट इज सिलिंड्रिकल नंबर? बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल में। सिलिंड्रिकल नंबर भी प्लस या माइनस हो सकता है, बट ये एक अलग तरह का नंबर होता है। दिस पावर जो सिलिंड्रिकल नंबर होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एस्टिगमैटिज्म, हमारी आँख की शेप की वजह से होता है, कॉर्निया की शेप की वजह से होता है। जैसे सब लोगों की आँख परफेक्टली सर्कुलर नहीं होती है, इनफैक्ट किसी की भी नहीं होती है, भगवान ने भी हल्का सा हमें ओवल शेप दिया होता है, तो 0.25-0.5 सिलेंडर ऑलमोस्ट सबका होता है, बट वी डोंट नीड ग्लासेस फॉर दैट। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की जेनेटिकली डिटर्मिंड ऐसे होती है कि आंख ज़्यादा ओवल जाएगी, दैट मीन एक एक्सिस में ज़्यादा स्टीप रहेगी और एक एक्सिस में ज़्यादा फ्लैट रहेगी। सो उस वजह से सिर्फ एक एक्सिस में नंबर आ सकता है, माइनस में या प्लस में। नाउ दिस सिलिंड्रिकल नंबर विल गिव यू ब्लरी विजन, स्पेशली बिकॉज आपकी शार्पनेस मिसिंग होगी छोटी चीज़ों के लिए, तो धुंधलापन आता है और चश्मा लगाना भी ज़रूरी होता है। पर अच्छी बात यह है कि जो ये नंबर होता है जनरली 5-6 साल के बाद बढ़ता नहीं है। एक बार जो ये सेट इन हो गया, इसमें इंक्रीज नहीं होना है, ये ऐसे ही रहना है। लेकिन इस चश्मे को पहनना ज़रूरी होता है, स्पेशली इन यंग एज, बिकॉज ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है 12 साल से पहले पहले। और अगर नंबर ज़्यादा है आपका, सिलिंड्रिकल नंबर 2 नंबर है, 2.5 नंबर है, और आप चश्मा नहीं पहन रहे हैं, तो ब्रेन में परफेक्ट इमेज नहीं बनेगी, शार्प इमेज नहीं बनेगी, और ज़िंदगी भर के लिए आपको लेजी आई हो सकती है। सो इवन इफ द चाइल्ड हैज़ अ सिलिंड्रिकल नंबर, उसको इग्नोर नहीं करें। अगर डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं तो उसको चश्मा पहनाएं। सिलिंड्रिकल नंबर फोन से नहीं बढ़ता है, इट इज़ अफेक्टेड ओनली एंड ओनली बाय फ्रीक्वेंट रबिंग ऑफ द आई। सो जो लोग आँख को बहुत ज़्यादा मलते हैं, खासकर जिनको एलर्जिक रहती है बच्चों को, उनको चांसेस रहते हैं कि नंबर ज़्यादा आए या चेंज भी हो। So I hope I have solved all the queries about refractive error, plus minus, lot of things are there, and आपको आपका जो भी prescription है, आपको उसके बारे में awareness होनी चाहिए है। यही इस video का purpose था। कोई questions हो तो ज़रूर पूछें।